हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिजिक्स के लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि बल से संबंधित कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, उनके सूत्र क्या हैं और उनसे जुड़े कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण हमने देख लिए थे जो कई बार एग्जाम्स हमसे पूछ लेती हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जाएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप वीडियो को ज़रूर देखें। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, गति के नियमों की बात की जाए तो सबसे पहले गति के नियम जो हैं उन्हें प्रतिपादित किया गया है सर आइज़क न्यूटन द्वारा 1687 में। उनकी एक किताब है प्रिंसिपिया, जिसमें उन्होंने गति के नियमों का उल्लेख किया है। तो गति के नियम हमसे क्या कहते हैं, एक एक करके देखेंगे। चलिए, गति का पहला नियम हमसे यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। दोबारा एक बार ध्यान से समझेंगे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु मूविंग है, गतिशील अवस्था में है, तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। देखिए, लॉ तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा होता क्यों है। लॉ को एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है ना, मार्कर स्थिर अवस्था में है, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा मार्कर इसी अवस्था में रहने वाला है। मान लेती हूँ बल लगाकर मैं इसको ऊपर खींच लेती हूँ तो इसकी अवस्था परिवर्तित हुई, अन्यथा इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही आपने देखा होगा कि यदि कोई गाड़ी है, गाड़ी में जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक गाड़ी मूविंग ही रहने वाली है, गतिशील अवस्था में रहती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं वो तो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाकर के गाड़ी रुकती है, कोई भी व्हीकल, राइट। तो देखिए, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में ही रह रही है, गतिशील है तो गतिशील ही रह रही है। सोचने वाली बात है ऐसा होता क्यों है। तो इसका उत्तर है, ऐसा होता है एक प्राकृतिक गुण के कारण। एक नेचुरल फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट की, जिसे बोला जाता है जड़त्व या इनर्शिया। जड़त्व या इनर्शिया को भी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि जड़त्व या इनर्शिया क्या होता है, एक बार दोबारा मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, जड़त्व या इनर्शिया जो होता है वो किसी भी वस्तु का ऐसा प्राकृतिक गुण है जिसकी वजह से वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अब उसकी जो स्टेट है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहेगी, वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करती है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को बोला जाता है जड़त्व का गुण। तो चलिए फिर जानते हैं कि जड़त्व को मापे कैसे, हाउ टू मेजर इनर्शिया। तो जो किसी वस्तु के द्रव्यमान की वैल्यू होती है वही वैल्यू उसके इनर्शिया या जड़त्व की भी होती है। तो ये बेसिक सी बात हमको समझ में आ गई कि अगर ऐसा हो रहा है तो जड़त्व के कारण हो रहा है। देखिए, जड़त्व जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उदाहरण देखेंगे किस तरह होता है। देखिए, आप लोगों ने कुछ कॉमन एग्जांपल्स तो किताब में इस बारे में पढ़े होंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि अगर एक बस है, मान लीजिए रुकी हुई है और बस में यात्री बैठा हुआ है, तो यात्री भी फिलहाल स्थिर अवस्था में है और बस भी इस समय स्थिर अवस्था में है। यदि एकदम से बस चलना शुरू करती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, जब बस में यात्री बैठा हुआ है तो यात्री भी स्थिर है, बस भी स्थिर है, तो यात्री की जो अवस्था है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध हो रहा है जड़त्व के कारण। तो जैसे ही बस आगे जा रही है, यात्री की अवस्था तो स्थिर थी, यात्री वहीं रहना चाहता है, अवस्था बदलना नहीं चाहता, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है जहाँ वो पहले था, राइट। इसीलिए इसे बोला जाएगा विराम का जड़त्व, क्योंकि वो विराम की अवस्था में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही देखें, अगर चलती हुई बस होती है और एकदम से बस रुक जाए तो यात्री को आगे की तरफ झटका लगता है, इसे बोलेंगे गति का जड़त्व। क्यों? क्योंकि बस और यात्री दोनों ही गतिशील अवस्था में थे, और एकदम से अगर बस रुकती है तो यात्री की जो अवस्था है उसमें एकदम से परिवर्तन हो रहा है, और जड़त्व जो है, इनर्शिया जो है, उस परिवर्तन का विरोध कर रहा है। यानी कि अवस्था गतिशील थी तो जो अवस्था है वो अब भी चाहती है कि वो गतिशील ही बनी रहे, राइट। इसकी वजह से उसको आगे की तरफ हल्का सा झटका लगता है। और कुछ छोटे मोटे उदाहरण हैं, जैसे अगर आप देखें, अगर आपने पेड़ की शाखाओं से पत्तियां, फूल या फल गिराने की कोशिश की हो तो आप इस एग्जांपल को समझ पाएंगे। जब हम किसी टहनी को पकड़ के हिलाते हैं तो टहनी तो आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन टहनी पर जो फूल या फल लगे होते हैं वो अपनी अवस्था बदलना नहीं चाहते, वो जिस जगह है उसी जगह रहना चाहते हैं। इसीलिए टहनी आगे जाती है, फल वहीं रह जाता है और वो गिरकर नीचे आ जाता है।
ऐसा ही एक और कॉमन एग्जाम्पल जो किताबों में हमने देखा है कि जो कंबल है उसको पीटने पर धूल के कण जो है वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली धूल के कण बाहर आ नहीं रहे होते हैं। देखिए, धूल के कण जो है वो कंबल पर चिपके होते हैं। जब हम कंबल को किसी डंडे से या लठ से पीट रहे होते हैं तो कंबल तो आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन कंबल पर चिपके धूल के कण वहीं रहना चाहते हैं, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं, इसलिए वो वहीं के वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, मोशन का जो गति का पहला नियम है और जो तीसरा नियम है वो काफ़ी आसान है, लेकिन गति का दूसरा नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसे आपको लिख करके एक्सप्लेन करूँगी, लिख करके समझाऊँगी। चलिए देखेंगे। चलिए, यहाँ मैंने गति का दूसरा नियम जो है वो लिख दिया है। इस नियम को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर लगाए गए बल की दिशा में बल के समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होती है। सुनने पे देखने पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझना बड़ा आसान है। समझने के लिए इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे। देखिए, ये जो संवेग में परिवर्तन की दर है ये अपने आप में एक चीज़ है। देखिए, संवेग क्या है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। यदि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक जो है आपको दी गई है, आप लास्ट लेक्चर ज़रूर एक बार देखें, आपको ये सारी बेसिक टर्म्स जो है वो थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं एक बार यहाँ संवेग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, संवेग को डिनोट किया जाता है पी इज इक्वल्स टू एम वी, यानी कि जो संवेग है वो होता है द्रव्यमान गुणित वेग। आसान भाषा में संवेग कुछ नहीं है, संवेग जो है बल आरोपित करने की क्षमता है। बल आरोपित करने की क्षमता को ही संवेग या मोमेंटम कहा जाता है। और ये जो संवेग है, जो क्षमता है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो है मास और एक है वेलोसिटी। एग्जाम्पल एक छोटा सा दूंगी जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी दे चुकी हूँ। मान लेते हैं एक जो छोटा बच्चा है अपनी छोटी सी साइकिल लेकर हमारे पास चला आ रहा है, राइट। मान लेते हैं उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। छोटा बच्चा अपनी जो तीन पहियों वाली साइकिल है वो लिए हमारे पास आ रहा है। अगर वो हमारे पास आ जाएगा इस वेलोसिटी से, तो हमारे पैरों के पास पहुंच भी गया, हमसे टकरा भी गया, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उससे, हमें बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान उतना ज़्यादा नहीं है कि उसकी बल आरोपित करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग हो। अब मान लो इसी की जगह कोई ट्रक आ जाए बड़ा सा इसी वेलोसिटी से हमारे सामने, तो क्या हम बच पाएंगे? हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी बल आरोपित करने की क्षमता या उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होगी बल आरोपित करने की। ऐसे ही अगर आप इसको वेग के कंसर्न में देखें या वेलोसिटी के कंसर्न में, इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि मान लेते हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है मान लीजिए छोटा सा मार्कर का ढक्कन, है ना, मार्कर का ढक्कन, और एक इसी के मास के बराबर है हमारे पास बंदूक की गोली। अगर मैं आपको मार्कर फेंक कर ऐसे मारूं थोड़ा सा या फेंक करके मारने की कोशिश करूं, तो क्या बहुत ज़्यादा चोट लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन इसी द्रव्यमान की बंदूक की गोली अगर मैं यहाँ से चला दूँ तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपके बॉडी पार्ट को चीर कर भी निकल सकती है, राइट। तो देखिए, भले मास बराबर भी हो, लेकिन अगर वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी बल आरोपित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो संवेग कुछ नहीं है, संवेग जो है बल आरोपित करने की क्षमता है जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि संवेग क्या है, डिनोट किस तरह किया जाता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ये भी हमको समझ में आ गया। अब बोला गया संवेग में परिवर्तन की दर। तो देखो, संवेग में परिवर्तन की दर को समझने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपसे लूँगी। मान लेते हैं ये कोई बॉल है हमारे पास, इस बॉल का द्रव्यमान है m। मान लेते हैं इसका आरंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। अब कुछ वेलोसिटी से, आरंभिक वेग u से, ये बॉल आगे की तरफ जा रही है, द्रव्यमान तो वही रहेगा, और अब इसकी अंतिम वेलोसिटी बन जाती है v। यदि दोनों पॉइंट्स पर हमको इनका मोमेंटम या संवेग देखना हो, तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं p1 यहाँ संवेग है, वो बनेगा m डॉट u। अभी अभी हमने देखा कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो पहली कंडीशन में जो संवेग बनेगा वो होगा m डॉट u। इसी तरह अगर हम अंतिम कंडीशन पर देखें तो संवेग बनेगा p2 इज इक्वल्स टू m डॉट v। अब दोबारा ध्यान से इस टर्म को पढ़ें, संवेग में परिवर्तन की दर। पहले फोकस करेंगे संवेग में परिवर्तन पर। हाँ, तो हमने देख लिया दोनों पॉइंट्स पर इनका संवेग क्या होगा, अब फोकस करेंगे हम इस संवेग में परिवर्तन की दर पर। पहले फोकस करेंगे संवेग में परिवर्तन। देखिए, अगर मैं इसके फाइनल संवेग में से इसका इनिशियल संवेग घटा दूं तो मुझे संवेग में परिवर्तन मिल जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि संवेग में परिवर्तन जो है
वो P2-P1, क्योंकि इनके बीच का चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल हटा दूंगी तो मुझे चेंज मिल जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू P2-P1। अब बोला गया संवेग में परिवर्तन की दर। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, जब भी आपसे किसी भौतिक राशि की दर पूछी जाती है स्पेशली मोशन के कंसर्न में, तो वहाँ आपको समय के साथ भाग देना होता है, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो मुझे मिल गई P2-P1/T। तो हमने जो सेकेंड लॉ है उसका एक पार्ट यहाँ कंप्लीट कर लिया है, अब इसका आधा बचा हुआ पार्ट देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि P2-P1/T इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि बल के समानुपाती है। अब देखेंगे इससे निकल करके क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक रिलेशन मिल गया, P2-P1/T इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखिए हमें पता था P2 इज इक्वल्स टू, हमने जो बॉल का एग्जाम्पल लिया था वहाँ P2 हमें मिला था MV और P1 हमें मिला था MU/T प्रोपोर्शनल टू फोर्स या बल। देखिए यहाँ से M कॉमन आ सकता है, V-U/T। देखिए आप इस टर्म को थोड़ा सा फोकस करें, ये V-U/T क्या है, याद कीजिए त्वरण की परिभाषा या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। एक्सेलरेशन या त्वरण ये बोलता है वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण है। तो यहाँ देखिए दो वेग दिख रहे हैं, एक जो अंतिम वेग है वो है V, जो आरंभिक वेग है वो है U, और उसमें परिवर्तन की दर दिख रही है। तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है, त्वरण या एक्सेलरेशन। ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जहाँ हमने मोशन से रिलेटेड भौतिक राशियाँ कवर की थी वहाँ हमने पढ़ लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ये बेसिक क्वांटिटीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे अभी पुट करने वाले हैं, देखिए क्या रिलेशन निकल करके आता है। यही तो हमारा बल का फॉर्मूला होता है, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बल क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू M into A। तो हमेशा ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि बल की परिभाषा गति के कौन से नियम से निकल करके आती है, तो याद रहे बल की जो परिभाषा है वो गति के दूसरे नियम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल करके आती है। अब यहाँ देखिए इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाया जाता है K, और इस K की वैल्यू जनरली रखी जाती है 1, जिसकी वजह से हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है MA, मात्रक किसका मिलता है, न्यूटन। तो आई होप आपको गति का जो दूसरा नियम है वो भी समझ में आया होगा। लेकिन सोचने वाली बात काम कहाँ आता है, इसके दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? तो देखिए जब आप इसको देख रहे होंगे तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जितना समय कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा, राइट? और जितना समय ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला हो और बॉल को कभी कैच किया हो तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि मान लीजिए कोई बॉल बहुत दूर से आ रही है और आप उसको कैच करने वाले हैं, तो अगर आपने उसे डायरेक्टली ऐसे लेकर के कैच कर लिया तो बॉल आपके हाथ पे बहुत ज़ोर से लगेगी और उछल के बाहर चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो बहुत क्विकली वो आपके हाथ में पहुंची एकदम से और एकदम से बाहर हो गई, यानी कि समय बहुत कम लिया बॉल ने आपके हाथ में, जिसकी वजह से उसका संवेग बहुत ज़्यादा था और बल बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको चोट लगती है बहुत ज़ोर से। लेकिन वही कैच करने वाला क्या करता है, ऐसे धीरे 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 ऐसे कैच करते समय अपना हाथ पीछे लेता है बॉल जब हाथ में आती है। ऐसा करने से क्या होता है, समय थोड़ा सा बढ़ जाता है हाथ में बॉल का, जिसकी वजह से ये जो फोर्स लग रहा है ये कम हो जाता है। जितना समय ज़्यादा उतना फोर्स कम, ये तो यहीं से मैथमेटिकली हमको दिख रहा है। तो जितना हम समय हाथों में ज़्यादा ले लेंगे फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका संवेग कम होगा और चोट बहुत ज़ोर से नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं है, हर जो फिजिक्स का लॉ है वो कई सारे एग्जाम्पल्स से जुड़ा हुआ है और ऐसे एग्जाम्पल्स हमसे एग्जाम्स कई बार पूछ लेती हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। चलिए देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ बोला गया है कि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में, यानी कि जब दो वस्तुएं आपस में इंटरैक्ट कर रही हों, तब एक वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाया जाता है उतना ही बल दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगा रही होती है।
देखिए, इसी को बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, और इसी को प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन काफी इजी है, कई बार हमने सुना भी है। जैसे देखिए, इस ये जो बात यहाँ लिखी है इसको मैं आपको समझाऊंगी। यदि आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे होते हैं, है ना, मान लीजिए आप किसी दीवार को ऐसे उस पर दोनों हाथ रख के धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं उस पर, तो उतना ही बल दीवार भी आप पर लगा रही है। इसलिए अगर बहुत देर तक बल लगाने के बाद आप पीछे हटेंगे तो थोड़ा सा धक्का आपको पीछे की ओर लगता है। क्यों? क्योंकि आप जितना बल उस पर लगा रहे हैं उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही परिमाण का बल दीवार भी आप पर लगा रही है विपरीत दिशा में। यानी कि आप इस दिशा में लगा रहे हैं तो बल दीवार की तरफ से इस दिशा में लग रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का खाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा किताबों में बड़ा कॉमन एग्जाम्पल मिलता है कि जब आप बंदूक की गोली चलाते हैं तो आपको पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, जब आपने बंदूक को हाथ में पकड़ा हुआ है तो बहुत टाइटली होल्ड करना पड़ता है उसको, क्योंकि जब आप ट्रिगर दबा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से बंदूक की गोली आगे जा रही होती है। यानी कि आपने उसे एक बड़ा बल दिया है, बड़ा बल है इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आप अगर आप आगे की ओर बहुत बड़ा बल लगा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि पीछे की ओर भी उतना ही बराबर बल लगेगा। यदि आपने बंदूक को टाइटली होल्ड नहीं किया और ऐसे ही गोली चला दी तो बंदूक ही उछल कर पीछे की ओर आ जाएगी और आपको बहुत बुरी चोट भी लग सकती है। तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्येक वस्तु क्या करती है, जितना बल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगा रही है उतना ही बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर लगा रही है। और कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे जब हम लोग चल रहे होते हैं, हमारी जो चाल होती है, देखिए हम एक पैर से धरती पर बल लगा रहे होते हैं और उतना ही बल धरती की ओर से हमारे ऊपर आ रहा होता है, राइट, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं इजीली। ऐसे ही आपने देखा होगा जब पतवार से या चप्पू से नाव चलाई जाती है तो हम पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, राइट, और पानी हमें आगे की ओर धक्का देता है, इसलिए जब हम पानी पीछे करते हैं तो नाव धीरे धीरे आगे की ओर जाती है। तो आई होप आपको गति का पहला, दूसरा और तीसरा नियम इजीली विद द एग्जांपल्स समझ में आया होगा। देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा और आप लोगों को इजी वे में समझाने के लिए एक छोटा सा फिजिकल एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाती हूँ, जिससे आपको पहला नियम जो है जड़त्व का नियम वो और ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। चलिए देखेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने गति के पहले नियम में पढ़ा था कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहती है। बेसिकली वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। वो तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक उन पर कोई भार बल ना लगाया जाए। कारण हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसका कारण होता है जड़त्व या इनर्शिया। और इनर्शिया का मेजरमेंट भी मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया किसी वस्तु का उतना ही होगा जितना उसका द्रव्यमान होगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। एक पेपर है मेरे पास और एक मेरे पास पानी से भरी हुई बोतल है। अगर आप देखेंगे, बोतल का द्रव्यमान डेफिनेटली ज़्यादा है और इसका द्रव्यमान काफ़ी कम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो इनर्शिया होगा, इसका जो जड़त्व होगा वो ज़्यादा होगा। अब देखिए, कुछ इस अवस्था में मैंने बोतल और पेपर को यहाँ पे रख दिया है, दोनों ही अभी स्थिर अवस्था में है। तो बोतल अभी स्थिर अवस्था में है और अगर मैं इस पर कोई भार बल लगाऊंगी तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो देखिए, ये जो पेपर है, अब मैं इसको मूविंग बनाने की कोशिश करूंगी। इस पेपर को अगर हम गतिशील करेंगे तो आप पाएंगे कि जो बोतल होगी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। लिहाओ, तो आपने यहाँ देखा कि पेपर तो यहाँ मूविंग हुआ लेकिन बॉटल जिस अवस्था में थी वो उसी अवस्था में रही। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाऊंगी जो शायद आपने अपने बचपन में कभी किया हो। मेरे पास एक छोटा सा कप है और ये मेरे पास एक कार्ड है और एक ये कॉइन है। कप के ऊपर मैंने कार्ड को प्लेस किया है और इसके ऊपर मैंने कॉइन रखा है। देखिए, जो सेम एक्सपेरिमेंट हमने अभी बॉटल और पेपर के साथ किया है, सेम एक्सपेरिमेंट हम इसके साथ भी करने वाले हैं। फिलहाल ये जो कॉइन है यहाँ पे विराम की अवस्था में है, रेस्ट पे है, स्थिर अवस्था में है। अब अगर मैं इस कार्ड को यहाँ पे मूविंग करने की कोशिश करूँ, आपने अगर किया भी हो बचपन में, नहीं किया है तो ट्राई करके देखिएगा। इस कार्ड को अब अगर मैं मूविंग बनाने की कोशिश करूँगी तो सिक्का जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, वो कार्ड के साथ आगे नहीं जाएगा। तो आपने देखा, कार्ड तो आगे चला गया लेकिन सिक्का अब भी कप के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि सिक्के ने अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया। तो इस तरीके से कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ आप इन लॉज को इजीली समझ सकते हैं। बाकी जो दो नियम हैं उनके उदाहरण मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड इस टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।